नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। एलजी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के विधायकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे थे और अभी इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए आज ये विधायक नजर आए हैं। कल आपने देखा कि सीबीआई ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन किया आपके कुछ नेताओं ने। तो दिल्ली इन दिनों दंगल बनी हुई है, खासतौर से अलग अलग विषयों को लेकर रोज जो है खींचतान हो रही है और अब पुलिस ने आप विधायकों को हिरासत में लिया है। कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, और दिल्ली सरकार हमेशा कहती है कि भाई उनके पास तो पुलिस है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो एलजी की विशेष तौर पर हो जाती है। तो एलजी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि होम मिनिस्ट्री को वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। तो उस सूरत में एलजी जो है उनके आवास के बाहर, एलजी ऑफिस के बाहर दरअसल धरना दिया गया और फिर इन्हें डिटेन किया गया। कुछ सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे हैं विधायक। देखिए, वैसे एलजी ने जो उन पर 1400 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे खादी ग्राम उद्योग में जब वो जिम्मेदार पद पर थे, उस दौरान एलजी ने कहा कि वो चार नेताओं के खिलाफ विशेष तौर पर कार्रवाई करेंगे। उसमें एक नाम सौरभ भारद्वाज का भी था। आज वो एलजी ऑफिस के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें शामिल नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस ने आप विधायकों को हिरासत में लिया है। तो दिल्ली में रोज आजकल आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। एक तरफ सत्र सत्र में हंगामेदार बयानबाजियां भी हो रही है, हंगामा भी हो रहा है। और यहाँ पर जो है अब कौन कौन से विधायक लिए गए हैं कार्यकर्ता, क्योंकि सौरभ भारद्वाज एक नजर जरूर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं, कार्यकर्ता जो है वो हिरासत में लिए गए। बाकायदा बस जो है आप देख भी पा रहे हैं कि बस में इन सभी को बिठाया जा रहा है। प्रदर्शन दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बात को लेकर लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं अपराध का वो जिक्र करते हैं, कई बार एनसीआरबी के डाटा का भी जिक्र करते हैं। उस सूरत में भी आप विधायक जो हैं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस ने आप विधायकों को हिरासत में ले लिया है। तो लगातार खींचतान की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप विधायकों को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बस में आप देख भी रहे हैं, उन्हें बिठाया जा रहा है और फिर उसके बाद यहां से कहां लेके जाया जाएगा ये एक अलग सवाल है। कितनी देर रखा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, किन शर्तों के आधार पर छोड़ा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में इन दिनों खींचतान जो है बहुत ज़्यादा नजर आ रही है आप विधायकों और एलजी का हम जिक्र कर रहे हैं। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, अपडेट्स दीजिएगा ताजा, क्या हुआ दिन भर और आम आदमी पार्टी के विधायकों को बकायदा डिटेन किया गया है? तो कोशिश करेंगे फिर से तरुण से बात करने की, संपर्क जो है वो नहीं हो पाया। तस्वीरें आपको हम दिखा ही रहे हैं लगातार, आप देख भी पा रहे हैं। एलजी ऑफिस के बाहर ये आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर। खासतौर से जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हाल में ही एक प्रकरण गुलकांड आया है और उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी जो है आक्रामक है। अलग अलग मुद्दों को लेकर खींचतान लंबे समय से चल भी रही है, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर विवाद शुरू हुआ हो और अब जो है लॉ एंड ऑर्डर पर आ गया है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप समझें तो दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच में विशेष तौर पर एक खींचतान नजर आ रही है। तो एलजी ऑफिस के बाहर आज आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे, उन्हें हिरासत में लिया गया है। अब कहां लेके जाया जाएगा, किस थाने में लेके जाया जाएगा, कितनी देर रखा जाएगा या पहले ही छोड़ दिया जाएगा, ये थोड़े से सवाल हैं क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं अपने सहयोगी से जुड़ने की, उनसे फिर बात करेंगे। वो क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है तो वो हमें ज्यादा बेहतर जानकारी दे पाएंगे। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, ये पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या क्या हुआ एलजी ऑफिस के बाहर और अब क्योंकि विधायकों को डिटेन किया गया है तो कहां ले जाया जा रहा है, कहां ले जाया जाएगा, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मेरे पीछे जो सड़क जाती है वो एलजी हाउस की तरफ ही जाती है और जैसे ही एलजी हाउस में ये बात पता लगी कि आम आदमी पार्टी के विधायक यहां पर दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के मद्देनजर वो अपना रोष प्रकट करना चाह रहे हैं,
एक घटना संगम विहार की दिल्ली के अंदर आई है। 16 साल की बच्ची को गोली मारी गई है, हालांकि उसकी अभी हालत थोड़ी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से जुड़ी बड़ी वारदात है जो दिल्ली के अंदर सामने आई है। इसके साथ साथ क्राइम ब्यूरो का भी एक रिपोर्ट सामने आया है जिसके अंदर बताया गया है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे अनसेफ शहर बनता जा रहा है, लिहाजा दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालने की जिम्मेदारी उपराज्यपाल विनय सक्सेना की है और इस मुद्दे पर राजनीतिक दबाव बनाने की मंशा से कि उपराज्यपाल काम के दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है और लगातार मंत्रियों महकमे की बैठक नहीं बुलाते हैं। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब खराब होती है कार्यों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे में दिल्ली के अंदर महसूस कर पाएंगे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र हो रहा है और एनसीआरबी के आंकड़े जारी किए गए और उसमें देश की राजधानी में भी क्राइम ग्राफ बढ़ा है और इसको लेकर ही